हाय फ्रेंड्स, जयपुर राजस्थान का जो सीकर रोड की लोकेशन है, अगर आप वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज का प्लान कर रहे हैं तो आज हम लेके आए हैं आपके साथ में अमन इनक्लेव, जिसकी लॉन्चिंग वीडियोस हमने ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं हम, और शोकेस के लिए कि अभी तक हमने कितना क्या डेवलपमेंट कर दिया है, आज हम ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, आउटर बाउंड्री बहुत सुंदर तरीके से डिज़ाइन की जा रही है। फ्रेंड्स, पूरी की पूरी जो टाउनशिप है वो गेटेड है, और आउटर बाउंड्री पे जो एंट्रेंस गेट रहेगा आपकी टाउनशिप का, उस पर अभी करंटली स्टोन वर्क अभी किया जा रहा है। लोकेशन की मैं बात करूं तो हरवाड़ा सिक्कर रोड से माचेड़ा और बिनाड रेलवे स्टेशन को ये 100 फीट रनिंग रोड है, जैसा आप देख रहे हैं। इस 100 फीट के ऊपर ही है ये अमन इनक्लेव। ऑन 100 फीट रोड पे भी 400 गज से प्लस बड़े साइज के प्लॉट मेन 100 फीट रोड पे भी अवेलेबल हैं, तो आप वो भी प्लान कर सकते हैं। और अगर आप गेट के अंदर प्लान करना चाह रहे हैं तो 111 गज से लेके 500 गज तक के आप प्लॉट इसके अंदर परचेज कर सकते हैं। ये देखिए, फ्रेंड्स, सीकर रोड जो जयपुर है उस पर अमन इनक्लेव के नाम से डेवलप की जा रही ये जो टाउनशिप है, इसमें बहुत सी सुविधाएं हैं। टाइल्स की इसके अंदर रोड़े हैं, हर जो प्लॉट है प्लॉट के सामने फुलवारी यहाँ के लगा के दी जा रही है, एक बड़ा पेड़ लगा के दिया जा रहा है। प्रॉपर तरीके से प्लॉट नंबर डाले हुए हैं, और ये जो प्लॉट है सामने ये 100 फीट रोड पे खुलता हुआ है, और बाकी जो ये प्लॉट्स हैं ये 40 फीट रोड पे खुलते हुए हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप गेट से एंट्रेंस करते हैं, मेन गेट से लेफ्ट हैंड साइड में ही शॉपिंग सेंटर है। ये देखिए, ये अमन इनक्लेव का शॉपिंग सेंटर एरिया, साइड में पाथवे पार्किंग एरिया, और ये शॉप्स। पूरी जो टाउनशिप है फ्रेंड्स, चारों तरफ से बाउंड्री पैक है, जैसा आप देख रहे हैं। आज की डेट में 3 से 4 जो फैमिलीज़ हैं, परिवार हैं, उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया है, जैसा आप देख रहे हैं सामने। और इस तरह का हर प्लॉट के सामने एक बड़ा पेड़, साथ ही वाटर कनेक्शन भी आपके लिए रेडी है इसमें, और इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी आपको यहाँ जो इलेक्ट्रिक पैनल है इससे आप ले सकते हैं। बारिश के टाइम पे जो बारिश का पानी है वो इन नालियों के थ्रू सीधा स्टोरेज में चला जाएगा, वाटर हार्वेस्ट हो जाएगा, और आसपास की जो सराउंडिंग लोकेशन है, जैसा आप देख रहे हैं, पूरी तरह से आबादी क्षेत्रों के बीचों बीच में ये अपने आप में अद्भुत लग्जीरियस टाउनशिप है। ये देखिए, स्ट्रीट लाइट्स, सुंदर डिज़ाइन की स्ट्रीट लाइट्स। अमन इनक्लेव में अगर आप प्लान करते हैं तो आप देखिए, इतनी सुंदर साफ़ सुथरी टाइल्स की रोडें और ऐसा डेवलपमेंट जयपुर शहर में तो आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। पूरी टाउनशिप में देखिए फ्रेंड्स, बहुत सुंदर डिज़ाइन से इलेक्ट्रिक प्लॉट डिमार्केशन इसमें
हमने डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है, जैसा आप देख रहे हैं। ताकि नाइट के टाइम पे भी बकायदा जो प्लॉट नंबर हैं वो आपको इसीली एरो के साथ में देख आपको दिखाएं, आपके जो मिलने वाले हैं कोई आपके विजिटर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, इस तरह से देखिए। फ्रेंड्स, अगर आप जयपुर से नहीं हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अमन इनक्लेव जो है ये लोहा मंडी योजना व्यावसायिक योजना है, JDA जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, विकास प्राधिकरण है, जयपुर विकास प्राधिकरण, उसने खुद ने एक व्यावसायिक योजना है जो इसके ईस्ट साइड में है, जहाँ पे ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसके साइड में है, और सामने यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है जो माउंटेन व्यू है सामने। यहाँ पे एक थीम बेस्ड पार्क गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूव किया है, उसका बजट भी यहाँ पे पास हो चुका है, रोप वे वगैरह और पूरे हरे भरे पेड़, मैं कहूँ तो टूरिस्ट स्पॉट की तरह इस पूरे एरिया को, यहाँ पे जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं इसको डेवलप किया जाएगा। ये जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, रोपवे झूले लगा के इसको पूरा टूरिस्ट प्लेस की तरह डेवलप किया जाएगा। अच्छा, ख़ास बात आप देख सकते हैं कि आसपास की जो सराउंडिंग लोकेशन है पूरी से पूरी की पूरी आबादी क्षेत्र है, मतलब कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ घनी आबादी है, और इस घनी आबादी के बीच में बाहर जो सुविधाएं हैं और यहाँ हमारी जो टाउनशिप अमन इनक्लेव में जो सुविधाएं हैं उनमें रात और दिन का डिफरेंस है। आप और हम लाख कोशिश करने के बाद में भी बाहर जो चीज़ें हैं और जो यहाँ जो चीज़ें हैं उन्हें कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। जो परिवार यहाँ पे अमन इनक्लेव में अपना ड्रीम हाउस प्लान करेंगे, बनाएंगे, लाइफ टाइम सारी सुविधाओं का आनंद वो पूरा परिवार लेने वाला है। और आप सोच सकते हैं कि वही परिवार अगर बाहर प्लान करता है तो ऐसी सुविधाएं लाइफ टाइम में तो दोबारा बाहर नहीं मिल सकती। ये देखिए, आप जब देखेंगे तो आप खुद अपने आप से कहेंगे कि क्या इस तरह से भी डेवलपमेंट किया जाता है गेटेड हाउस सोसाइटीज़ का जयपुर में। अमन इनक्लेव के जस्ट पास में ही है बालाजी इंजीनियरिंग कॉलेज जो सामने है, बेनाड रेलवे स्टेशन भी हमारी जो टाउनशिप है अमन इनक्लेव इसकी वेस्ट पार्ट में, हार्डली 5 मिनट में आप बेनाड रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, जो कि सीकर रेलवे लाइन है झुंझुनू तक जो कनेक्ट है, हिसार भी आगे आप जा सकते हैं। तो इस तरह से हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं ये प्रोजेक्ट अमन इनक्लेव, और बहुत हद तक हम इसको डेवलप भी कर चुके हैं। आज की डेट में आप यहाँ 111 गज से लेके 500 गज तक जो प्लॉट साइज़ हैं वो आप प्लान कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। अब हम आपको लेके चलते हैं पार्क और फैसिलिटी एरिया में। फ्रेंड्स, ये है टाउनशिप, मेन गेट से हम अंदर आ चुके हैं, और ये जो रोड आप देख रहे हैं सामने 40 फीट की रोड है, और गेट पे लेफ्ट साइड में भी प्लॉट्स हैं, राइट साइड में भी प्लॉट्स के ब्लॉक्स हैं, अलग अलग साइज़ के प्लॉट्स हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं फैसिलिटी एरिया के पास में, पार्क और फैसिलिटी एरिया। बहुत सुंदर तरीके से इस तरह से डिज़ाइन किया है हमने इसको आपके परिवार के लिए। ये पूरा पार्क और फैसिलिटी एरिया है। फ्रेंड्स, जो पार्क और फैसिलिटी एरिया है इसमें हम हर्बल गार्डन डेवलप करने जा रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। और ये है बहुत सुंदर डिज़ाइन की गई अमन इनक्लेव, और उसमें डेवलप किया जा रहा हर्बल गार्डन। तो जो फैसिलिटी और पार्क एरिया है फ्रेंड्स, उसको भी हमने पूरा पैक किया हुआ है। ये देखिए, वायर फेंसिंग इस पर कर दी जाएगी ताकि अन जो ट्रेस पासिंग है किसी भी तरह की बाहर से ना हो पाए। और ये पूरा फैसिलिटी एरिया, और यहीं पे हम करेंगे ग्रास, ग्रीन ग्रास का जो एरिया है वो, उसके अलावा हर्बल पार्क
जैसा आप देख रहे हैं, साथ ही साथ टेंपल। ये देखिए, आइए चलते हैं सीधे टेंपल एरिया में। फ्रेंड्स, बहुत ही पीसफुल और नेचर के पास में यहाँ पे एनवायरनमेंट है, जैसा आप देख रहे हैं। बकायदा प्लॉट डिमार्केशन भी यहाँ पे हर प्लॉट के आगे आपको मिलेगी। स्ट्रीट लाइट्स जिस तरह से आप देख रहे हैं, आपको पूरी टाउनशिप पे स्ट्रीट लाइट्स मिलेंगी इस तरह से। और सामने ही है अमन इनक्लेव के लिए टेंपल मंदिर। और फ्रेंड्स, ये है अमन इनक्लेव सीकर रोड जयपुर में, जो टाउनशिप है उसका मंदिर का एरिया। यहाँ पे गेट है, आइए चलते हैं सीधा। सामने बहुत ही सुंदर तरीके से राजस्थानी शैली के अंदर यहाँ डिज़ाइन किया गया है। बात करें स्टोन की, तो स्टोन यहाँ पे जैसा मुझे बताया गया, ये धौलपुर करौली स्टोन यहाँ पे यूज़ किया गया है। और सामने है मंदिर और ये गार्डन एरिया। बच्चों, बुजुर्ग, बड़े बूढ़ों के लिए यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है। मंदिर में अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है, जल्द ही कर दी जाएगी। और ये इस तरह से ये डेवलप है। और इस तरह से पूरे जो टेंपल एरिया है, पार्क एरिया है, इसमें वॉकवे भी है। सुबह शाम आप यहाँ घूम भी सकते हैं। सर्दी की सुंदर धूप, उसमें अमन इनक्लेव का पार्क, ये देखिए सुंदर फुलवारी। एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे हम आपसे, क्या देखा है इस तरह का डेवलपमेंट आपने जयपुर शहर में किसी अन्य दूसरी टाउनशिप पे? ये देखिए, इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है। जयपुर शहर में आपको लाखों लाखों प्रॉपर्टी मिल जाएंगी बाहर, लेकिन इस तरह का जो डेवलपमेंट है, पूरी लाइफ टाइम आपको बाहर की प्रॉपर्टी में नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे दिया गया है किड्स प्ले एरिया, स्लाइडर्स हैं, सामने झूले हैं। ये देखिए, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, फुलवारी पूरी डेवलप की गई है। ये देखिए, यहाँ के बैठने के लिए व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट भी है। और ये है टेंपल अमन इनक्लेव मंदिर। लाखों रुपए खर्च करने के बाद में भी अगर जीवन का मकान में रहने का आनंद ना आए, उस सोसाइटी में आनंद ना आए, तो मुझे नहीं लगता एक स्मार्ट डिसीजन मैं कहूँ तो वो होगा। पूरा जीवन इंसान भागदौड़ की जो जिंदगी है, उसमें धन कमाता है, और उस धन से कमाने का उद्देश्य यही होता है कि वो जीवन का पूरा पूरा परिवार सहित आनंद ले सके। तो फ्रेंड, इस तरह की अगर सोसाइटी, इस तरह की JDA अप्रूव्ड गेटेड सोसाइटी अगर आपने भी बाहर कहीं देखी है, तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर हमारे जो चैनल है इस पर सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपने फ्रेंड्स ये जो टाउनशिप है ये विज़िट नहीं की है अभी तक, तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कीजिए, ज़रूर अपनी फैमिली के साथ में इसको विज़िट कीजिए। और अगर आपके कोई मिलने वाले फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हैं जो सीकर रोड
वेनाड रोड, निवर रोड के आसपास की लोकेशन पे प्रॉपर्टी परचेज का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर जरूर उनके साथ में आप शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा शोकेश अमन इनक्लेव सीकर रोड जयपुर से। मिलता हूँ एक नए अपडेट के साथ। टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।